सो भाई गाइस, तो आज हम लोग बताएंगे द टॉप 10 अपकमिंग 150 सीसी टू 350 सीसी बाइक अंडर 2 लाख। तो आज हम लोग बताएंगे जो फाइनली पैनिकस 10-10 बाइक आ रहा है इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर, वो भी 150 सीसी से 350 सीसी तक आएगा, और ये कौन सा बाइक होगा सारे कुछ बताएंगे आज के वीडियो के अंदर। सो गाइस, अभी तक वीडियो के अंदर लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करो, चैनल के अंदर नया हो तो ऑब्वियसली चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्त को बस वीडियो को जोर से शेयर करो, और आपका फेवरेट बाइक कौन सा है, ड्रीम बाइक कौन सा है, वो भी यार कमेंट करके बता देना। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बताएंगे यामा FZ V5। तो ये जो बाइक है ना, बहुत ही अच्छा तरीके से देख सकते हो, साथ में जो बाइक का जो लुकिंग है ना, एकदम बिल्कुल ऑन लुकिंग देख सकते हो। और साथ में ये बाइक के अंदर कंपनी यूज किया बहुत ही एक पावरफुल इंजन, और साथ में पावरफुल LED हेडलाइट प्रोजेक्टर लैंप देख सकते हो, साइड इंडिकेटर LED देखने को मिलेगा, और पीछे का टेलाइट भी LED, मतलब बाइक का जो लुकिंग है ना बहुत ही अच्छा तरीके से देख सकते हो। और ये जो बाइक है ना, अपकमिंग बाइक है 2024 नंबर 2 को लेके बताएंगे। तो यहाँ पे सुजुकी जिक्सर 155, तो ये जो बाइक है ना बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हो। और साथ में ये बाइक के अंदर कंपनी यूज किया लिक्विड कूल का इंजन, और साथ में LED हेडलाइट प्रोजेक्टर लैंप, साइड इंडिकेटर LED, और पीछे का टेल लाइट भी LED, और साथ में यहाँ पे डिजिटल LCD TFT मीटर। बाइक के सस्पेंशन को लेके बताएंगे तो यहाँ पे कंपनी यूज किया टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, सामने और रियर पे मोनोशॉक देख सकते हो। और ये बाइक के अंदर कंपनी यूज किया पेटल डिस्क। तो पेटल डिस्क क्या होता है, जो बड़ा बड़ा सुपर बाइक के अंदर जो यूज होता है उसको बोलते हैं पेटल डिस्क। और ये बाइक का डिस्क साइज को लेके बताएंगे तो सामने मतलब फ्रंट पे 300 mm और रियर पे 220 mm डिस्क साइज देख सकते हो। और ये बाइक के अंदर एक कंपनी यूज का इंजन कैपेसिटी को लेकर बताएंगे तो 147 cc लिक्विड कूलर 4 वाल्व का इंजन देख सकते हो, 18.9 bhp साथ में 10,500 rpm के साथ। और बाइक का गियर स्पीड को लेकर बताएंगे तो यहाँ पे कंपनी यूज किया 6 स्पीड गियर बॉक्स और सिल्वर क्लास के साथ देखने मिलेगा, मतलब लिक्विड कूल का इंजन कितना पावरफुल होता है वो सारे लोग तो जानते ही है। नंबर 3 को लेकर बताएंगे तो यहाँ पे यामा R25M। तो ये जो बाइक है ना बहुत ही खतरनाक तरीके से देख सकते हो, यामा का जितना सारे बाइक है भर भर के यामा ने पावरफुल इंजन बनाया, और साथ में यहाँ पे यामा I25M का लुकिंग कैसा लग रहा है वो भी यार कमेंट करके बता देना। सो गाइस, अभी हम लोग बाइक का इंजन कैपेसिटी को लेके बताएंगे तो यहाँ पे कंपनी यूज किया पावरफुल ट्विन सिलेंडर का इंजन, और साथ में लिक्विड कूल और 8 वाल्व का इंजन देख सकते हो। तो सबसे पहले बताएंगे ये बाइक का इंजन कैपेसिटी को लेके, ये बाइक के अंदर यूज किया 249 cc लिक्विड कूल और 8 वाल्व का इंजन यूज किया, 35.5 bhp और साथ में 1000 rpm के साथ। और ये बाइक के अंदर कंपनी दे दिया क्विक शिफ्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सारे कुछ अवेलेबल देखने मिलेगा, और साथ में क्रूज कंट्रोल भी दे दिया यामा ने। सिंपल है गाइस, बात समझो, यामा R15M के अंदर यामा ने इतना सारे कुछ फीचर दे दिया, यामा I25M के अंदर भी और कितना फीचर्स देगा वो तो आप समझना पड़ेगा। तो ये जो बाइक है ना, लुकिंग तो भाई बिल्कुल ऑन लुकिंग देख सकते हो। नंबर 4 को लेके बताएंगे तो यहाँ पे होंडा CBI 250 RR। तो ये जो बाइक का लुकिंग है ना एकदम बिल्कुल ऑन लुकिंग देख सकते हो, और बाइक का टॉप स्पीड को लेके बताएंगे तो यहाँ पे जो कंपनी रिकमेंड कर रहा है 180, बट रियल अगर टेस्ट करोगे तो 190 एंड 200 भी जाएगा अगर राइडर अच्छा होगा तो। तो अभी हम लोग बताएंगे होंडा CBI 250 RR का इंजन कैपेसिटी को लेके, यहाँ पे कंपनी यूज किया 249 cc लिक्विड कूलर 8 वाल्व का इंजन देख सकते हो, और 40.2 bhp साथ में 13,000 rpm के साथ, मतलब 13,000 rpm तक जाएगा, एक सुपर बाइक का बराबर ही बोल सकते हो। और ये बाइक के अंदर कंपनी यूज किया यूडी सस्पेंशन, सामने और रियर पे मोनोशॉक देख सकते हो, साथ में ड्यूअल चैनल ABS और ड्यूअल एग्जॉस्ट सिस्टम भी देखने मिलेगा। तो आप सारे लोग कमेंट करके बता देना होंडा CBI 250 RR का बाइक का लुकिंग कैसे लग रहा है वो भी यार कमेंट करके बता देना। तो अभी हम लोग एक बार साउंड चेक करेंगे एंड टॉप स्पीड चेक करेंगे होंडा CBI 250 RR का। गाइस, सारे लोग यार कमेंट करके बता दो ये साउंड कैसे लगा, ये टॉप स्पीड कैसे लगा होंडा CBI 250 RR का। वो यार जल्दी जल्दी भाई कमेंट होना चाहिए आज का वीडियो के अंदर। साथ में भी इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स को लेके बताएंगे तो यहाँ पे कंपनी यूज किया क्विक शिफ्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, डिजिटल LCD TFT मीटर, सारे कुछ यहाँ पे अवेलेबल कर दिया कंपनी ने। नंबर 5 को लेके बताएंगे तो सुजुकी GSX R 150, मतलब मैंने क्या बोला 150 cc टू 350 cc तक जाएगा आज का वीडियो। तो ये जो बाइक है ना बहुत ही खतरनाक तरीके से देख सकते हो,
क्योंकि ये बाइक के अंदर भी कंपनी यूज किया लिक्विड कूल का इंजन और साथ में 4 वाल्व का इंजन यूज किया। बाइक का फीचर्स को लेकर बताएंगे तो यहाँ पे कंपनी यूज किया ड्यूल चैनल एबीएस होता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर यहाँ पे चिंता मत करो, बहुत ही अच्छा खासा ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे यूज किया कंपनी ने। साथ में एलईडी हेडलाइट लैम्प देख सकते हो, साइड इंडिकेटर एलईडी देखने मिलेगा और पीछे का टेललाइट भी एलईडी। और साथ में यहाँ पे कंपनी यूज किया डिजिटल एलईडी कलरफुल टीएफटी मीटर। तो अभी हम लोग बताएंगे ये बाइक का इंजन कैपेसिटी को लेकर, यहाँ पे इंजन कैपेसिटी को लेकर बताएंगे तो यहाँ पे 147 सीसी लिक्विड कूलर 4 वाल्व का इंजन देख सकते हो और 18.9 bhp साथ में 10,500 rpm के साथ। और ये बाइक के अंदर कंपनी यूज किया 6 स्पीड गियर बॉक्स और स्लीपर क्लास के साथ देखने मिलेगा। तो सारे लोग यार कमेंट करके बता देना सुजुकी GSX R 150 ये बाइक का टॉप स्पीड कितना हो सकता है। ये बाइक का जो टॉप स्पीड ना कम से कम यहाँ पे 140 से 150 किलोमीटर तक जा सकता है इंडियन रोड के अंदर। सारे लोग यार कमेंट करके बता देना ये बाइक का लुकिंग कैसा लग रहा है। नंबर 6 को लेके बताएंगे तो बजाज पल्सर NS 250। तो ये जो बाइक है ना हमारा इंडियन का किंग बोल सकते हो। तो सारे लोग तो भाई जानते ही है इंडियन कंपनी है बजाज पल्सर और बजाज पल्सर NS 250 फाइनली गाइस इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रहा है। तो सबसे पहले बताएंगे क्या क्या फीचर्स रहेगा बजाज पल्सर NS 250 के अंदर। सबसे पहले बताएंगे ड्यूल चैनल एबीएस विद एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एंड ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे बहुत पावरफुल देख सकते हो। और साथ में बाइक का जो लुकिंग है ना एकदम बिल्कुल ए ऑन लुकिंग देखने को मिलेगा। तो आप सारे लोग बताओ NS 250 का लुकिंग कैसा लग रहा है OBR कमेंट करके बता देना। ये बाइक का लाइटिंग सिस्टम को लेकर बताएंगे तो एलईडी हेडलाइट प्रोजेक्टर लैंप देख सकते हो, साइड इंडिकेटर एलईडी देखने को मिलेगा और पीछे का टेल लाइट भी एलईडी। और ये बाइक के अंदर कंपनी यूज किया डिजिटल एलईडी टीएफटी कलरफुल मीटर। तो सारे लोग बताओ ये बाइक का लुकिंग कैसा लग रहा है। तो मेरे को तो भाई ए ऑन लुकिंग लगा। नंबर 7 को लेके बताएंगे तो यहाँ पे GPX डीमो 200R। तो ये जो बाइक है ना बहुत ही ज्यादा मेरे को पसंद आ चुका है क्योंकि 200 सीसी का ज्यादा बाइक हमारा इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपाची 200, NS 200, KTM RC 200 इतना सारा बाइक है और ज्यादा बाइक यहाँ पे इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो ऑब्वियसली यार 200 सीसी का और भी बाइक आना चाहिए इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर। सबसे पहले बताएंगे ये बाइक का फीचर्स को लेकर, यहाँ पे सामने यूज किया कंपनी सस्पेंशन को लेकर बताएंगे तो यूजी सस्पेंशन होता है, अपसाइड डाउन सस्पेंशन देख सकते हो और रियर पे मोनोशाखा देखने मिलेगा। ड्यूल एलईडी हेडलाइट प्रोजेक्टर लैंप देख सकते हो, साइड इंडिकेटर एलईडी देखने मिलेगा, पीछे का टेल लाइट भी एलईडी। और बाइक का लुकिंग को लेके बताएंगे तो एकदम बिल्कुल सुपर बाइक जैसा लुक लग रहा है, एकदम बिल्कुल यार ए ऑन लुकिंग देख सकते हो। तो सबसे पहले बताएंगे GPX डीमोन 200R ये बाइक का इंजन कैपेसिटी को लेके 198 सीसी लिक्विड कूलर 4 वाल्व का इंजन देख सकते हो। और BHP को लेके बताएंगे तो 19.2 bhp 10,500 rpm के साथ। और ये बाइक के अंदर कंपनी यूज किया 6 स्पीड गियर बॉक्स और स्लीपर क्लास के साथ देखने को मिलेगा। तो आप सारे लोग कमेंट करके बता देना GPX डीमोन 200R ये बाइक का लुकिंग कैसा लग रहा है OBR कमेंट करके बता देना। नंबर 8 को लेके बताएंगे तो यहाँ पे यामा की तरफ से एक बाइक आ रहा है जिसका नाम है यामा R15 V5। तो सारे लोग तो बहुत दिन से वेट कर रहे हो यामा R15 V5 के लिए। तो 2024 के अंदर फाइनली यामा ने और एक न्यू बाइक लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है यामा R15 V5। ये बाइक के अंदर क्या कुछ और एक्स्ट्रा फीचर देख सकते हो। सबसे पहले बताएंगे यामा R15 M के अंदर जो फीचर देखने को मिलेगा यामा R15 V5 के अंदर उससे भी ज्यादा एडवांस फीचर देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्रूज कंट्रोल एडवांस फीचर देख सकते हो, क्रूज शिफ्टर तो पहले से ही आ रहा है और साथ में ड्यूल चैनल एबीएस और डिस्क साइज। यहाँ पे पहले यामा R15 M के अंदर क्या होता 282 mm और अभी तुम लोग को यामा R15 V5 के अंदर क्या होगा 300 mm का डिस्क साइज देगा और रियर पे 220 mm देख सकते हो। और साथ में यहाँ पे ड्यूल एलईडी हेडलाइट प्रोजेक्टर लैंप देख सकते हो, साइड इंडिकेटर एलईडी देखने को मिलेगा और पीछे का टेल लाइट भी एलईडी। सारे जो फीचर्स है ना ऑन फीचर्स बोल सकते हो यामा R15 V5 के अंदर। नंबर 9 को लेके बताएंगे तो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड बुलेट 150। तो ये जो बाइक है ना बहुत जल्दी इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर लॉन्च होना चाहिए क्योंकि ये बाइक के अंदर कंपनी ऐसा कुछ फीचर दे दिया बाकी बुलेट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले सस्पेंशन को लेके बताएंगे तो यहाँ पे कंपनी यूज किया यूएसबी सस्पेंशन, मतलब अपसाइड डाउन सस्पेंशन देख सकते हो और रियर पे मोनोशॉक देखने को मिलेगा। तो सारे लोग यार कमेंट करके बता देना रॉयल एनफील्ड बुलेट 150 सीसी के अंदर कितना ज्यादा अच्छा लुक लगा वो भी यार कमेंट करके बता देना। मेरे को यार बहुत ज्यादा ए ऑन लुकिंग लगा। सो गाइस अभी हम लोग बताएंगे नंबर 10 को लेके होंडा CBR 150R। तो ये जो बाइक का लुकिंग है ना एकदम बिल्कुल ए ऑन बोल सकते हो क्योंकि ये बाइक को टक्कर देने के लिए बहुत सारा बाइक आ सकता है। बट ये बाइक के अंदर जो कंपनी जो BHP यूज किया ना बहुत ही खतरनाक तरीके से देख सकते हो। सबसे पहले बताएंगे बाइक का टॉप स्पीड को लेके 120 से 130 किलोमीटर तक जा सकता है होंडा CBR 150R के अंदर। तो अभी हम लोग बताएंगे बाइक का इंजन कैपेसिटी को लेके 149 सीसी लिक्विड कूलर 4 वाल्व का इंजन देख सकते हो, साथ में 16.9 bhp साथ में 9,000 rpm के साथ। और ये बाइक के अंदर कंपनी यूज किया 6 स्पीड गियर बॉक्स और सिल्वर क्लच के साथ देखने मिलेगा। अभी हम लोग बताएंगे बाइक का सस्पेंशन को लेके सामने मतलब फ्रंट यहाँ पे यूएसबी
सस्पेंशन मतलब ऑफ साइड डाउन सस्पेंशन आप देख सकते हो और रियर पे मोनोशॉक देखने मिलेगा। अब सारे लोग यार कमेंट करके बता देना होंडा सीबीआर 150R का लुकिंग कैसे लग रहा है, वो भी यार कमेंट करके बता देना। सो गाइस आज मैंने बता दिया 10-10 बाइक का नाम बता दिया, इसके अंदर सबसे अच्छा बाइक कौन सा लगा वो भी यार कमेंट करके बता देना आज के वीडियो के अंदर। सो गाइस चलिए आज को वीडियो इतना ही एंड टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।